किसके पैर में चोट आया? कहाँ चोट आया? वो तो मेरे ऊपर गिरा, चोट कहाँ लगी है? क्या यहाँ पे थोड़ा सा डर लग गया क्योंकि यहाँ देख सकते हो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो क्या हाल चाल भाई लोग? तो आगे वापस से न्यू वीडियो, न्यू प्लेस और न्यू जगह पे। तो आज हम निकल रहे हैं एक नया जगह पे और आज हम जा रहे हैं नेतरहाट और इधर है लोधफोल, तो उधर भी जाने का प्लान है, तो आज उधर ही चलेंगे। तो खूब मजा आने वाला है। तो मुझे पता नहीं था कि जाना है बोल के, तो सडनली मुझे सुबह कॉल आया मेरे फ्रेंड्स का, तो फिर बोला कि चलो चलते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। यार हम लोग का प्लान हमेशा अचानक ही बनता है, इसलिए मुझे खुद पता नहीं रहता, अपडेट मैं पहले नहीं दे पाता हूँ। एक्चुअली मुझे रात में कॉल आया, उसके बाद में अभी सुबह में निकलने का प्लान था, बट देख सकते हो हमारे बाइक्स में तेल थोड़ा कम था, इस वजह से पेट्रोल पंप का वेट कर रहे खुलने का। और अभी टाइम हो गया है 5 अराउंड कुछ, मैंने देखा नहीं अभी तक। हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए, काफ़ी दिन बाद नेतरहाट का प्लान बना, वैसे तो जाते आते रहते हैं बट आज अचानक प्लान बना, तो चलिए चलते हैं और पेट्रोल पंप का खुलने का वेट कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में खुल जाएगा, 10-15 मिनट का बात ही है, तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली दुंदुरिया में पेट्रोल मिल गई और अभी जाके खुला, टाउन तरफ खुला ही नहीं था। ये देखो हमारे हीरो भाई, तो चलिए चलते हैं आगे के सफर पे। ये रहा दुंदुरिया रोड। वेलकम टू घाघरा। यार हम लोग को लहंगा लेना है नेतरहाट के लिए तो यहाँ से हम लोग लहंगा जा रहे हैं और इधर लोहरदगा हो जाता है 55 किलोमीटर। इधर है 55 किलोमीटर यहाँ से नेतरहाट, जो कि 19-20 किलोमीटर तो हम वहाँ घाटी ही चढ़ने में 19-20 किलोमीटर हो जाता है। सो मैं हूँ अभी, देख सकते हो मेरे पीछे 5 पांडव पहाड़ और ये है 5 पांडव पहाड़, देख सकते हो काफी खूबसूरत, सामने से ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। भाई साहब बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, तो यहाँ पे लाइन होटल है, उसके बाद यहाँ पे नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद में आगे के सफर पे निकलेंगे। तो चलिए पहुंच गए हम नेतरहाट की वादियों में और यहाँ चेक कर सकते हो काफी खूबसूरत, काफी सुंदर रास्ता और अगल बगल भाई देख सकते हो कितना मस्त, कितना मस्त। वाओ व्हाट अ ब्यूटी, वाओ। और अभी आगे हमें काफी सारे बंदर देखने को मिलेंगे, तो इधर भी उतरते हैं कभी कभी, पर सब अभी इधर उधर होंगे, पर ऊपर रास्ता किनारे बैठे होंगे तो चलिए आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ देख सकते हो यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, काफी खूबसूरत सा नजारा, मन मोह लेने वाली जगह है। अभी बरसात के टाइम में भी नया नया पत्ता सब निकल रहा है, देख सकते हो अभी ये और भी घना हो जाएगा कुछ दिन बाद, उसके बाद तो भाई सिर्फ रास्ता और हरियाली। ये चेक कर, चेक दिस। और रास्ता किनारे और एक चीज मुझे यहाँ अच्छी लगती है, वो है रास्ता किनारे नदी सब, मतलब पानी उतरता है तो वो काफी सुंदर लगता है रास्ता किनारे को, छोटा वाटरफॉल कह सकते हैं, छोटा सा, बड़ा नहीं, वो ऊपर से गिरने वाला नहीं, बट छोटा वाटरफॉल, मिनी वाटरफॉल, काफी सुंदर। और हम है अभी झारखंड के सबसे ऊंची स्थान पे और यहाँ ठंड काफी अधिक होती है नेतरहाट में, चेक कर सकते हो। और जैसा कि अभी हमें अभी से ही ठंडा का आभास हो रहा है और हमारा हाथ धीरे धीरे सुन पड़ना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो वो वाइट हो जा रहा है यार। फाइनली गाइस कमिंग टू नेतरहाट और देख सकते हो चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा। वाओ फाइनली पहुंच गए हम नेतरहाट और देख सकते हो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और ये रहे मोटा भाई, दिखाता हूँ इधर अपने हाथों को सेकते हुए सभी तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा। पहुंच गए अपर घघरी और इधर देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गया है, हुडी थोड़ा भींग गया है। और ये चेक करो नीचे वाटरफॉल है, तो वही देखने हम अभी नीचे जा रहे हैं। देख जाना जूता उतर स्लिप हो सकता है। ओले ओले उतर जा मेरे गोले मोटा, ओले ओले उतर जा मेरे गोले अच्छा धूप निकल जाता है, मजा आता है। हाँ
फाइनली पहुंच गया अभी हम अपर घगरी वाटरफॉल, और देख सकते हो मेरे पीछे गिर जाओ यार, काफी खूबसूरत जगह है। हार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा डर लग गया, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये लकड़ी का बैरिकेड लगा है, बैरिकेड बोलते हैं बेरियल, और यहाँ पे कुछ चेतावनी है, आगे जाने का आदेश नहीं है, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे। इसीलिए चलिए फार्म ट्री चलते हैं। नहीं यार, जब यहाँ वर्जित बोल दिया तो कोई कारण से लिखा होगा, इधर जानवर उनवर आया हुआ है, इस वजह से भी यहाँ पर वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि अभी फिलहाल में इधर एलिफेंट आया हुआ था, तो नहीं तो इधर जानवर सबका आना जाना लगातार होगा ना प्रॉपर। भाई छोड़, वर्जित है तो भाई वर्जित है, कोई कारण से ही होगा। भाई यहाँ से वापस हमें लौटना पड़ रहा है अपर घगरी ना। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं अभी, ये देख सकते हो मेरे चारों तरफ पाम ट्री है, और काफी लंबे लंबे ये पेड़ होते हैं जो कि ऊंचे ऊंचे ठंडी इलाकों में पाई जाती है, और यहाँ देख सकते हो कितनी लंबी लंबी है, काफी खूबसूरत। और यहाँ पे सनराइज पॉइंट, हाँ माय गॉड, माय गॉड, खतरनाक भाई लोग इतने अच्छे डांस करते हैं, मुझे पता नहीं था। फाइनली गाइस हम थे अभी सनराइज पॉइंट पे, और यहाँ पे फोटो शूट किए, काफी मजा आया, काफी इंजॉय किया हमने, और अभी हम जा रहे हैं अभी नेक्स्ट लोकेशन, कहाँ का है कुछ पता नहीं है, बट कोई वाटरफॉल का ही बनाएंगे, तो फिर चलिए वाटरफॉल चलते हैं, मस्ती करते हैं, खूब मजा आएगा, सो लेट्स गो। और यहाँ देख सकते हो मोटा भाई चापते हुए बाइक, ओह शिट, पैर छोटा है, छोटा है वो, तो मेरे ऊपर गिरा, चोट कहाँ लगी है क्या? माय गॉड। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हो गया गंदा कांड, और यहाँ पे बैलेंस खराब होने के कारण गाड़ी इधर पूरा उतर चुका है, और इधर अभी इतने भाई लोग हैं, तो अभी कार को उठाने का प्लान हो रहा है, तो देखिए अभी कैसे भी करके यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो चलिए इस कार को निकाला जाए। अच्छा ये वाला टूट जाएगा क्या, ये पर्सन ये तो टूट जाएगा ना, तो अरे फाइनली गाइस देख सकते हो सभी तरफ कोहरा ही कोहरा, और हमारे एक टीम वापस जा चुका है, और हम सिर्फ दो कोई बचे हैं, और आज हम फुलटू घूमने वाले हैं, देख सकते हो। फाइनली गाइस वी आर कमिंग टू लोथफुल, अरे बेटा भाई साहब खुश हो गया, दिल खुश हो गया भाई, लोथफुल का नजारा, चेक दिस गाइस, चेक दिस। तरुण भाई तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम गुमला जाके बड़ी पछताओगे भाई। देख लो भाई, हम लोग अभी बस हल्का सा बस यहाँ पे चढ़े, और देख ब्रो देख इतना ज्यादा पानी गिर रहा है, चेक दिस। तरुण भाई तुम गुमला जाके गया बड़ी पछताएगा भाई, हम लोग लोधफल पहुंच चुके हैं भाई, देख लो भाई देख लो। देख मोटा भाई बोल रहा है तुम गुमला गया और पछताएगा, देख यार तेरा भी आने का प्लान था बट तू आया नहीं लोथफुल। फाइनली गाइस फाइनली फोन में ऐसा लग रहा है, सोचो सामने कितना मस्त लग रहा है यार, चलिए सामने से दिखाते हैं।